हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैडम छील रही हैं। हाँ वाह लोग जान ले कितना गेड़ा छीलती है कितना अच्छा से गेड़ा छील रही है। बाघ टूटते जा रहा, कटिंग करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा छीलते 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 कटिंग हो जाता है। अब बस काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं छोटी, इसीलिए इतना शक्ति लगा दी है, घोड़ा टूट जा रहा है। अपने बता रही है खाला तुमको कहेंगी आज पहली बार ऐसा खाए हुआ, ऐसे पहले भी करती है कैसे। अच्छा तो बताती है खाला। छोटी आप कब से घोड़ा छीलना सीख रही है बताइए ना? आज ही से। ओ इसीलिए ना एकदम टेंट है, एक दिन में इतना आगे पहुंच गई। कौन जाने यालू है। तो गाइस हम लोग ऐसे ही मस्ती चलता रहता है और आज होने वाली है फ्रिज की डीप क्लीनिंग, तो करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। सटी क्या छोटी, क्या गिरा दी? प्याज गिरा दी छोटी ने, प्याज गिरा दिया। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, अभी मॉर्निंग का समय ही हुआ, ज़्यादा समय हुआ नहीं है और बस डीप क्लीनिंग जो है मेरी शुरू हो चुकी है। तो सोची थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ वीडियो, आप लोग के साथ शेयर भी हो जाएगा फिर। तो बस डीप क्लीनिंग चल रही है। इस बास्केट जो मतलब फ्रिज ट्रिपल डोर वाला है और इस बास्केट में मतलब ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट फल वल यही सब रखते हैं। फ्रूट फल एक ही होता है ना वही मतलब सब्जी रखते हैं, फ्रूट रखते हैं, ये वेजिटेबल और फ्रूट्स का ये बास्केट है। इसके अंदर ही सब कुछ रख के आप इसको बंद कर दें और ये अच्छा रहता है, अलग अलग रहता है ना, तो इस तरह से बहुत ही अच्छा रहता है। जो चीज़ आपको चाहिए, जब भी अगर फ्रीज़र का यूज़ है तो फ्रीज़र में से ले लिए, अब फ्रिज का यूज़ है तो फ्रिज में से यूज़ कर लिए, और नहीं तो आपको अगर फ्रूट और सब्ज़ी जो भी है ये सब चाहिए तो इसमें स्टोर को खोलेंगे तो ऐसे सही रहता है बिल्कुल। तो बस इसी को मैं अच्छे से लिक्विड लगा के डिश वाशर लिक्विड जो था उसी से मैं क्लीन करूँगी। अभी ये वाला नीचे वाला डोर साफ़ हो गया, अब ये सेकेंड डोर है तो इसका जो क्लीनिंग है, ये फ्रिज है तो इसका क्लीनिंग अभी स्टार्ट करते हैं। सारा सामान अभी निकालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया देख सकते हैं। जब भी मैं घर आती हूँ तो अभी फ्रिज साफ़ करके ही जाती हूँ, फ्रिज क्या सब कुछ साफ़ करके ही जाती हूँ। जितना भी गंदगी जो भी दिखता है मुझे, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, तो इसको एकदम बिल्कुल चमका देते हैं और एकदम नया करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर भाभी जो है सामान निकालने में ये सब फ्रिज का हेल्प कर रही हैं। तो चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो मैं जानती हूँ गाइस काफ़ी लेट जा रहा है, पर अब आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी, तो वो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा एंड तक। जो भी आज मैं करती हूँ थोड़ा बहुत ही कैप्चर कर पाई हूँ, आज ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है, जितना भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। बाकी आने की वाली अगली वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, उसकी नेक्स्ट सेकेंड फर्स्ट सारी वीडियो अच्छी होने वाली है, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और वैसे भी आप शॉर्ट वीडियो तो देखते ही हैं, जो भी मेरे चैनल पे पुराने हैं तो उन लोग को पता ही है मेरा अपडेट जो भी रहता है वो मैं देती ही रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट वीडियो के थ्रू ही आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बस ये लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा बनाने में सब कुछ करने में समय लगता है, पता होगा जिन जो लोग वीडियो बनाते हैं उन लोग को पता है कि वीडियो एडिट करने में, रिकॉर्डिंग से लेके सब कुछ मतलब म्यूज़िक व्यूजिक सब कुछ देखने में, सेटिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अभी मैं बस ये विम लिक्विड होता है इसी से मैं क्लीन करूँगी, और एक स्क्रबर ले ली हूँ जिसकी मदद से मैं सारा कुछ बिल्कुल क्लीन करने वाली हूँ। अभी मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ क्योंकि मुझे अभी पता है किचन में काम है, अभी दोपहर के 2 बज रहा है और मुझे अभी दही बड़ा जो है बनाने जाना है, तो आज मैं दही बड़ा बना रही हूँ। इसकी भी वीडियो आएगी, फुल वीडियो तो मैं डाल चुकी हूँ, थोड़ा बहुत जो भी होगा दिखाऊँगी। और 4 दिन से लगातार डेली केक बेक कर रही हूँ मैं,
मैं खुद केक बन चुकी हूँ सच में। चार दिन से डेली केक बनता है, डेली बेक बनता है, तो भाई को भाभी को सबको बहुत पसंद आता है, तो इसलिए डेली मुझे बनाना पड़ता है। तो आज मैं केक नहीं बना रही हूँ, आज मैं दही बड़ा बनाऊँगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। अभी म्यूजिक लगा देती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रिज क्लीन करने के बाद अभी दोपहर में पकौड़े जो है दोपहर में बना था खाने के साथ, और सब्ज़ी में कुछ था याद नहीं है, काफ़ी दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ, शाम का टाइम है उसी वक्त का ये क्लिप है गाइस। तो हलवा बस बन रहा है सूजी का, घी वी डाल के दूध, तो बिना घी का हलवा तो बनता नहीं है हमारे घर, तो बिल्कुल नहीं बनता। बहुत तो दूध डाल के बना लेते हैं, बिना घी के हलवा नहीं बनता, सिर्फ दूध से हलवा तो अच्छा होता नहीं है। तो बहुत ही अच्छा टेस्टी वाला हलवा बन रहा है, और मेरे भाई को दिल था इसीलिए बन रहा है। तो ये बहुत ही यम्मी सा हलवा बना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा अपडेट मैं आपके साथ देती रहूँगी, और आने वाली बहुत सारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये थोड़ा सा मैं ऊपर का क्लिप रात के टाइम में रिकॉर्डिंग करने गई थी,
तब की एक क्लिप है गाइस, तो थोड़ा सा ये भी कैप्चर मैं की थी क्योंकि रिकॉर्डिंग करने ऊपर ही जाना पड़ता है, मैं नीचे नहीं कर पाती हूँ, बच्चे हैं, शोर होता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए मैं रात के टाइम में 9-10 बजे के करीब में ऊपर जाके तो ही रिकॉर्डिंग करके तो वीडियो मैं आप लोगों के साथ अपलोड करती हूँ। यहाँ पर नीचे बाबू को घुमा रहा है भाई, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।